आज हम बात करेंगे कि आखिर ACL टियर क्या होता है, क्या नुकसान हो जाते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। ACL के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल मन में आता है तो आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो चैट बॉक्स में आ जाएगा। एक बार मैं पूरा ढंग से समझा लूं ACL के बारे में, उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों के सवाल के आंसर दूंगा। आपके सवाल कितने भी हों मैं सबके आंसर दूंगा। तो पहले समझते हैं कि आखिर ACL होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये एक नी जॉइंट होता है, ये ऊपर वाली हड्डी फीमर, नीचे वाली हड्डी टीबिया, और इसके बीच में हमारा रहता है लिगामेंट ACL। ये देखो, ये वाला ACL। सो ACL का काम होता है आपकी जो हड्डी है उसको आगे जाने से रोकना। तो जब किसी का ACL टूट जाता है तो नॉर्मल चलते हुए ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप आराम से चल रहे हैं, हो सकता है दर्द नहीं हो सकता है दर्द है, हो सकता है इनस्टेबिलिटी आ रही हो। पर जैसे ही आप हाई एंड एक्टिविटी करेंगे, जैसे लॉन्ग जंप हो गया, भाग के ट्विस्ट करना हो गया, या फिर ऊबड़ खाबड़ सर्फेस पे चलना हो गया, तो आपका पाँव इस तरह से हिलेगा। ये ट्विस्टिंग जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में हो रही है, और ये बीच में मेनिस्कस है, ब्लू वाली। तो आप देख पा रहे हैं कि मेनिस्कस पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है अगर मेरा ACL टूटा हुआ होता है और बार बार मेरा पैर ट्विस्ट करता है। साथ साथ में जो गद्दी होती है फीमर की और टीबिया की, कार्टिलेज, उसमें भी इस तरह के खड्डे पड़ जाते हैं अगर आपका ACL टियर है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। तो अगर कंप्लीट टियर है तो उसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे मेनिस्कस डैमेज होने लगते हैं, जो कि ये वाले पोर्शन है, मेनिस्कस टूटने लगते हैं, और साथ साथ में हमारे कार्टिलेज भी घिसने लगता है, जो कि ये पोर्शन। एक बार ये घिस जाए तो आपको फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ACL सर्जरी आपको बिल्कुल ठीक कर देगी और फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट भी बचाएगी। अब मैं आपको ACL सर्जरी के बारे में बताऊंगा और फिर हम उसके सवालों के आंसर देंगे। बेटा डाउनलोड कर दो, शेयर स्क्रीन कर, शेयर। तो इसके अंदर जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बेटा ऊपर वाली हड्डी रहती है फीमर, ये नीचे वाली हड्डी रहती है टीबिया, और यहाँ पे हमारा रहता है पटेला। कलर चेंज करो, करना चाहिए। अब हर हड्डी के ऊपर हमारे कार्टिलेज का कवर रहता है इस तरह का, जो इसको स्मूथ बनाता है। ये कार्टिलेज यंग लोगों में बड़ा थिक होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये कार्टिलेज घिसता आता है, और एक लिमिट ऐसे आती है जब हमारा पूरा कार्टिलेज घिस जाता है। तो जो हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, उनका कार्टिलेज घिस जाता है। एक बार कार्टिलेज घिस गया तो हम उसमें सलाह देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो कार्टिलेज है वो इंटैक्ट रहे, अगर कार्टिलेज खराब तो हमारा नी खराब। कलर चेंज। अब नी के अंदर एक लिगामेंट रहता है ACL, एक लिगामेंट रहता है PCL, और साथ में हमारे दो मेनिस्कस रहते हैं। सो जो ACL है उसका काम होता है हमारी हड्डी को आगे जाने से रोकना, PCL का काम होता है हमारी हड्डी को पीछे जाने से रोकना। तो जब हमारा ACL टूट जाता है दोस्तों, तो हड्डी आगे की तरफ लचक मारती है, आगे की तरफ लचक मारती है, तो उसकी वजह से हमारे धीरे धीरे जो मेनिस्कस कलेजन लचक की वजह से हमारे धीरे धीरे मेनिस्कस में टियर आने लगते हैं और हमारे कार्टिलेज में भी डैमेज होने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि हम आपके ACL को दोबारा बनाएं दूरबीन से। तो दोस्तों, पहली बात, ये सर्जरी एक दूरबीन की मदद से होती है, इसीलिए इसमें लंबा चीरा नहीं लगता, सब कुछ पिन होल होते हैं। आपका जो ACL है उसको हम आप ही के हैमस्ट्रिंग के टेंडन से बनाते हैं। तो बॉडी में जनरली दो हैमस्ट्रिंग के टेंडन निकलते हैं, एक को बोलते हैं सेमी टेंडिनोसस, एक को बोलते हैं ग्रेसिलस। ACL की सर्जरी दो तरीके से करता हूं दोस्तों, पहली होती है स्क्रू सर्जरी, दूसरी होती है इंटरनल ब्रेस। तो पहले हम स्क्रू सर्जरी के बारे में बात करेंगे। तो स्क्रू सर्जरी में
मैंने आपके दो टेंडन निकाले, उन दोनों को मैंने डबल कर दिया, पहले टेंडन को ये और दूसरे टेंडन को डबल। डबल करने के बाद इसमें ऊपर लगाया हमने बटन और नीचे लगाया इसको, किस तरीके से, ये आपका ACL हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना हुआ है, इसको हड्डी में फिक्स करने के लिए ऊपर लगाया गया है बटन और नीचे लगाया गया है स्क्रू। अब स्क्रू बायो कंपोजिट आते हैं, बायो ऑब्जर्वर आते हैं, कई तरह के आते हैं। दूसरी सर्जरी होती है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस कलर चेंज ब्लू। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में ये आपकी ऊपर वाली हड्डी है, ये आपकी नीचे वाली हड्डी है और कलर चेंज ग्रीन। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्क्रू सर्जरी में दो टेंडन निकालने की जरूरत पड़ती है, इसमें हम सिर्फ एक ही टेंडन निकालते हैं सेमी टेंडन, और उसको मैं चार बार फोल्ड कर लेता हूं। इसके अंदर भी हमारा फोर फोल्ड था, इसके अंदर भी फोर फोल्ड ACL बना दिया जाता है। अब दोस्तों कभी हाई एंड एथलीट आते हैं हमारे पास जिनको बहुत जल्दी गेम में जाना पड़ता है, तो उसके अंदर हम दूसरा टेंडन निकाल के इसको एट फोल्ड भी बना सकते हैं। तो आपका जो नया ACL बना है वो इसके अंदर फाइबर टेप में एट फोल्ड रहता है, वहीं आपके नॉर्मल स्क्रू में फोर फोल्ड रहता है। तो ज्यादा मजबूती आपको ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में मिलती है। अब मेरे को उसको ऊपर और नीचे लेडी से चिपकाना है। इसके अंदर हम ऊपर लगाएंगे इस बटन, जैसा कि आपने देखा है जो फीमर ये बटन लगा हुआ है, सेम बटन यहां भी लगता है, पर इसके अंदर नीचे भी बटन लग जाता है। तो इसके अंदर स्क्रू सर्जरी में एक बटन था, एक स्क्रू था, इसमें दो बटन लग गए कलर चेंज ब्लू। इसके बाद बटन टू बटन हमारा नहीं हुआ ब्लू, इसके बाद हमारा बटन टू बटन हमारा फाइबर टेप जाता है इस तरीके से। ये फाइबर टेप दोस्तों आपके जो नया लिगामेंट है उसको बचा के रखता है, ना लंबा होने देगा, ना खींचने देगा, ना फटने देगा। इस तरह का कोई भी सपोर्ट हमारे स्क्रू सर्जरी में नहीं है, इसीलिए स्क्रू सर्जरी के बाद मुझे सब कुछ बहुत धीरे धीरे कराना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन के बाद 30 डिग्री पैर बैंड होगा, फिर अगले हफ्ते 40 डिग्री होगा, फिर 50 डिग्री होगा, कंप्लीट पैर बैंड होते होते 2.5 महीने लग जाएंगे। तब तक थोड़ा दर्द रहेगा, चलना डिफिकल्ट होगा, 2-2.5 महीने तक आप नहीं चल पाएंगे। वहीं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में क्योंकि फाइबर टेप लगा हुआ है जिससे आपका लिगामेंट लंबा नहीं हो सकता, खींच नहीं सकता, फट नहीं सकता, इसमें पहले दिन हम 100 डिग्री पैर बैंड कराए थे और 1 महीने में कंप्लीट बैंडिंग आ जाती है। तो 1 महीने में कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी सर्जरी होगी। वहीं इसके अंदर जॉगिंग करने में 4 महीने लगेंगे स्क्रू सर्जरी में, आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में 1 महीने में जॉगिंग कर पाएंगे। स्क्रू सर्जरी में बैक टू स्पोर्ट जाने में लगभग 10 महीने से लेके 1 साल लग जाता है, वहीं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में 3 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते। ये रिकवरी इसलिए फास्ट है क्योंकि हमारे नए लिगामेंट पे प्रोटेक्शन। अगर बाय चांस आप सर्जरी के बाद फिसल गए, गिर गए, उस कंडीशन में जो स्क्रू सर्जरी है उसके फेल होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। वहीं अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद गिर भी जाते हैं, पांव भी फिसल जाता है, तो भी आपके लिगामेंट को डैमेज नहीं आएगा क्योंकि आपके लिगामेंट को फाइबर टेप ने सपोर्ट दे रखा है। इसी वजह से इसमें रिकवरी बहुत फास्ट आती है। पर सिर्फ ऑपरेशन करने से रिकवरी नहीं आती दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम आपके ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइजेस बिल्कुल ढंग से करवाएं। इसके लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है ACL विनर ग्रुप फेसबुक पे, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ACL ग्रुप ACL विनर ग्रुप के अंदर हमारे जितने भी ऑपरेटेड पेशेंट है दोस्तों, वो अपनी अपनी एक्सरसाइजेस हर 7 दिन में डालते हैं, वो हर 7 दिन में डालते हैं और हम चेक करते हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। जैसे इनको 9 वीक्स हो गए हैं, लगभग 2 महीने से ऊपर, तो इनकी एक्सरसाइजेस काफी अच्छी है। उसी तरह से इनको 20 डेज हुए हैं ACL की सर्जरी के बाद, तो इनका लगभग लगभग कंप्लीट बेंडिंग आने वाला है। सो ये इतनी फास्ट रिकवरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है। इनको शायद 3 महीने हुए हैं तो बैक टू रनिंग जा चुके हैं।
उसी तरह से इनको 2 महीने हुए तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जितने भी पेशेंट है हमारे वो सब इस पे एक्सरसाइज डालते हैं और हम चेक करते हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और हम उनको गाइड करते हैं कि और कौन सी एक्सरसाइजेज मिस हुई है, नहीं हुई है, और क्या बेटर कर सकते हैं, इसीलिए रिजल्ट अच्छे आते हैं। सो ये इस तरह का लूप है कि आप एक्सरसाइजेज मिस नहीं करते इसके अंदर। अगर आपको रिकवरी से लेके किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप इस ग्रुप में जा सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं आप डायरेक्टली फेसबुक पे कि रिकवरी कितने दिनों में हो रही है, कितने दिनों में आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट रिकवरी कितने दिन में होती है, जॉगिंग कितने दिन में कर पाते हैं। इस सिस्टम की वजह से किसी भी पेशेंट की एक्सरसाइजेज मिस नहीं होती है और सबकी बिल्कुल एक्यूरेट एक्सरसाइजेज चल रही है। अब आपके मन में अगर कोई भी नए सवाल आ रहे हैं तो आप मुझे पूछिए और मैं उसका जवाब दूंगा। एक प्रकाश जी बोल रहे हैं सर विदाउट सर्जरी ACL रिपेयर हो सकता है। जी प्रकाश जी बिल्कुल हो सकता है विदाउट सर्जरी ACL रिपेयर, उसको हम बोलते हैं PRP। सो इसके अंदर बेटा उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जिनका बहुत पार्शियल टीयर है, लो ग्रेड पार्शियल टीयर, लो ग्रेड पार्शियल टीयर। अगर आपका लो ग्रेड पार्शियल टीयर हमारे में लिखा हुआ है या फिर आपका Grade 1 लिखा हुआ है तो हम बिना सर्जरी के PRP इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वहीं अगर आपका Grade 2-3 लिखा हुआ है तो मुश्किल होता है बेटा, वो स्क्रीनशॉट हटा दें कहां से। सर ऑपरेशन से पहले कोई एक्सरसाइज करनी है क्या? जी ऑपरेशन से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप अपना पूरा पैर बैंड करके लाएं हमारे पास। सो इसके अंदर जो भी एक्सरसाइजेज होती है वो रेंज ऑफ मोशन और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए होती है। तो आप पूरा पैर बैंड कीजिए, पूरा पैर सीधा कीजिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। बैंकार्ट रिपेयर सर्जरी, दोस्तों बैंकार्ट रिपेयर सर्जरी में भी बहुत एडवांसमेंट आ गया है। जैसे कि मैंने बताया कि ACL में फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस होता है, उसी जैसे बैंकार्ट में भी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस होता है। सो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा बैंकार्ट सर्जरी के बारे में। बेटा स्क्रीन शेयर करो, वाइट बोर्ड। वापस सर बैंकार्ट सर्जरी में पहली तो बात आती है कि आखिर शोल्डर डिसलोकेट क्यों होता है। तो हम अगर एनाटॉमी देखें तो शोल्डर जॉइंट इस तरह का शैलो जॉइंट होता है, कलर चेंज करो ब्लू, शैलो जॉइंट होता है तो डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो नेचर ने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा डीप बनाने के लिए इसमें एक लेब्रम दे रखा है जो इसको डीप बनाता है ताकि वो डिसलोकेट नहीं हो। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से देखूं तो ये ग्लिनोइड मुझे इस तरह से दिखाई देता है, कलर चेंज, और उसके अंदर हमें लेब्रम होता है जो पहाड़ की तरह इस तरह से कवरिंग रहती है। अब जब पहली बार हमारा शोल्डर डिसलोकेट होता है दोस्तों तो ये जो लेब्रम है ये वाला ये टूट के इधर आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि यहां से लेके यहां तक हमारा लेब्रम फट गया और वो यहां पे आ गया, इसको बोलते हैं बैंकार्ट लीजन। दूसरा, जब जब हमारा हेड डिसलोकेट होता है तो ये जो हेड है ये इस पे जाके टकराता है, इस वजह से यहाँ पे खड्डे होने लगता है जिसको बोलते हैं हिल सेक्स, और ये धीरे धीरे हमारा बोन भी घिसने लगता है, उसको बोलते हैं बोनी बैंकार्ट। अगर आप हमारे पास जल्दी आते हैं तो हम बिल्कुल मिनिमम 2 होल की सर्जरी करके, ओनली विथ 2 होल्स, हम इसको यहाँ पे एंकर्स डालते हैं, एंकर्स में जो धागे निकले हुए हैं उससे हम बैंकार्ट टिश्यू पकड़ के उसको वापस सिल देते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही रहते हो जैसे पहले। अब इसमें और एडवांस अगर कोई सर्जरी की बात करें करो तो इसमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की सर्जरी होती है दोस्तों। उसके अंदर क्या करते हैं, पहले जो बताया एंकर के अंदर धागे होते हैं, अब फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में हम क्या करते हैं, इसको टेप से पकड़ते हैं, फाइबर टेप से पकड़ते हैं, हमने बैंकार्ट टिश्यू को फाइबर टेप से पकड़ा। अब इसमें एक अलग तरह का एंकर लगता है, जैसे सपोज ये फाइबर टेप है हमारी, इसके साथ जो एंकर जाएगा वो बायो कंपोजिट होता है, उसके नीचे खड्डा होता है, उसमें से हम फाइबर टेप पास करते हैं और उस एंकर को हम इस खड्डे में डाल देते हैं। इस वजह से ये नॉटलेस सर्जरी हो जाती है, नॉटलेस मतलब इसके अंदर गांठ लगाने की जरूरत नहीं है,
और हमने धागे के बजाय फाइबर टेप से बैंक कार्डो पकड़ रखा है। इस सर्जरी के बाद आप 1 महीने में रनिंग कर सकते हैं और 3 मंथ्स में आप बैक टू स्पोर्ट जा सकते हैं। ये सारी सर्जरी दूरबीन से होती है और बहुत ही एडवांस सर्जरी है। इसके बाद इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके बैंक कार्ड जो शोल्डर डिसलोकेशन है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हटाओ स्क्रीन क्वेश्चंस। और काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास, एक एक करके जवाब देंगे। सर एसीएल में थाई पतली होती है सर विदाउट सर्जरी? हाँ बेटा, जब भी हमारा एसीएल टूट जाता है, जैसे कि सपोज ये हमारा एसीएल जब भी हमारा एसीएल टूट जाता है तो एक तरह से नी का फर्कलम खराब हो जाता है। फर्कलम खराब होने से नी ढंग से काम नहीं कर पाता, बार बार ट्विस्ट करता, उस वजह से जो थाई की जो मांसपेशियां होती है वो पतली पड़ने लगती है। सर्जरी के बाद जब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं वो वापस अपने शेप में आती है, उसको आने में 3 महीने लगते हैं। न्यू एसीएल कितने साल बाद पुराना एसीएल जैसा हो जाएगा? आपको 3 महीने के बाद आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। हमारे जितने भी पेशेंट हैं जिनका हमने फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी करी है वो 3 मंथ्स में बैक टू गेम जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक तो ये बहुत सारे स्क्रूज हैं जो मेरे पास हैं, तो स्क्रू सर्जरी में हमें इतना बड़ा छेद करना पड़ता है, अगर आप देखें स्क्रू को तो काफी बड़ा स्क्रू रहता है, काफी बड़ा स्क्रू रहता है। बायो स्क्रू की बात करें तो भी काफी बड़ा रहता है, तो इतना बड़ा छेद करना पड़ता है आपकी हड्डी में स्क्रू सर्जरी के लिए। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी के लिए बिल्कुल पतला छेद किया जाता है सिर्फ इससे, इसको बोलते हैं फ्लिप कटर। ये अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद इसको हम इस तरह से फ्लिप कर देते हैं। So, अंदर की टनल बड़ी होती है, बाहर की बिल्कुल पतली होती है, तो इसमें बोन कंजर्विंग है। फाइबर टेप इंटरफेस में बोन भी ज्यादा नहीं कटती है, और स्क्रू की जगह हम इसमें छोटे छोटे बटन लगाते हैं ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी में। तो ये छोटा जो बटन है ये ऊपर वाली हड्डी फीमर में लगता है और ये छोटा बटन है ये टीबिया में लगता है। इसके अंदर फाइबर टेप भी लोड हो जाती है जो कि आपके नए लिगामेंट को बचा के रखती है। तो 3 महीने में बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि पुराना था, पर हाँ क्योंकि फाइबर टेप है इसी की वजह से आप 3 महीने बाद रनिंग और अपने स्पोर्ट्स में वापस जा सकते हैं। 6 महीने के अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल पुराने एसीएल जैसी हो जाती है। सर एज पर माय एमआर रिपोर्ट मेरे लेफ्ट नी एसीएल टीयर नियर, कंसल्ट मी, आई हैव टू गो टू। सो आपका एसीएल नियर टू टीयर मतलब एसीएल नियर कंप्लीट लिखा होगा, तो आपके लिए सर्जरी बहुत जरूरी है। अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो नी खराब हो जाएगा, आप एक्टिविटीज तो अभी भी नहीं कर पा रहे वो धीरे धीरे और नहीं कर पाएंगे, पेन डेवलप होने लग जाएगा, बाद में आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है, इसे इग्नोर ना कीजिए। और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में आप अगले दिन से चल सकते हैं। अगर आपको रिकवरी के बारे में कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी आपको और पूछना है, तो आप एसीएल विनर ग्रुप में हमारे पेशेंट से पूछ सकते हैं रिकवरी। एसीएल में थाई पतली होती है जी, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ सर। मुझे 1 वीक हुआ मेरे पैर पूरा फोल्ड हो जाता है पर चलने में थोड़ी लचक आती है। तो बेटा 1 वीक हो गया एसीएल टूटे हुए, अभी पैर फोल्ड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लचक आ रही है इसका मतलब एसीएल टूट गया है, तो बहुत जरूरी है आप ऑपरेशन करवाइए और बिल्कुल ठीक हो जाइए। अगर नहीं कराएंगे तो आपके मेनिस्कस और कार्टिलेज में डैमेज बढ़ता जाएगा जो कि ठीक करना मुश्किल होता बात। सर कैप्सूल एक्सप्लेन, कैप्सूल एक्सप्लेन, कैप्सूल क्या? कैप्सूल हर चीज में होता है बेटा, कैप्सूल नी में होता है, शोल्डर में होता है, रिस्ट में होता है, एंकल में होता है। कैप्सूल के बारे में क्या एक्सप्लेन करूं, थोड़ा ढंग से सवाल पूछिए थोड़ा डिटेल में। एसीएल सर्जरी के बाद पीआरपी थेरेपी कब करा सकते हैं? ऑपरेशन के टाइम आपने बोला था पीआरपी कराने के, बेटा एसीएल सर्जरी के लगभग 3 महीने बाद पीआरपी थेरेपी करते हैं। जो लोग एसीएल सर्जरी के दौरान मुझे मालूम पड़ता है कि उन्हें कार्टिलेज घिसा हुआ है, उस कार्टिलेज को ठीक करने के लिए 3 महीने बाद हम पीआरपी थेरेपी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। कैप्सूल फटा है बैंक कार्ड, जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी ढंग से हमारा ही पढ़ूंगा। देखिए आप पढ़ कुछ और रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लिख बहुत छोटा सा रहे हैं, हो सकता है मैं आपको बहुत ढंग से समझा पाऊं जब आप मेरे सामने।
बैंकार्ट लीजन में लेब्रम फटता है, कैप्सूल नहीं फटता, साथ में हो सकता है कैप्सूल भी फटा हो, उसको भी ठीक करना पड़ता है। हमारी फिल्म्स को देखना ही बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो बैंकार्ट अगर लिखा हुआ है तो लेब्रम तो ठीक करना ही है, पर अगर कैप्सूल भी अगर टाइट है या ढीला हो गया है या फटा हुआ है, उसको भी साथ में रिपेयर किया जाता है। सर ACL MCL अलग अलग ऑपरेशन होता है, ACL MCL PCL LCL, अगर किसी के चारों लिगामेंट भी टूटे हुए हैं दोस्तों, तो फाइबर टू इंटरनल ब्रेस में एक ही सिटिंग में करता हूँ, अलग अलग नहीं करते। जितनी सर्जन की प्रैक्टिस होती है उतना वो जल्दी ऑपरेशन कर पाता है, इसीलिए मल्टी लिगामेंट हमेशा मैं एक ही स्टेज में करता हूँ, सेकंड स्टेज में नहीं करता, और सारा इंटरनल ब्रेस करते हैं ताकि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी आए। सर मेरे लेफ्ट लेग में ACL MCL हुआ है लेकिन बेंडिंग में थोड़ा सा पेन हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि क्यों पेन हो रहा है, क्या कोई कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप हो रहा है, या एक्सरसाइज ढंग से नहीं हो रही, या पूरा पैर बैंड नहीं हो रहा। तो ये सवाल अच्छा है, पर मेरे को एग्जामिनेशन जरूरी है पता करने के लिए आखिर पेन क्यों हो रहा है, और हम उससे सबसे आपको ठीक कर सकते। क्या मैं बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता? ठीक है, अच्छा बेटा जिनका पूरा बैंड नहीं हो रहा है ACL MCL के बाद, तो आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। अंकित, क्या मैं बिना सर्जरी के ठीक हो नहीं हो सकता? बेटा कंप्लीट टीयर है तो सर्जरी करानी है, पार्शियल टीयर है, लो ग्रेड है, तो बिना सर्जरी के ठीक कर देंगे। बेटा जिन जिन की मैंने MRI रिपोर्ट देखी है, मेरे पास दिन के 200 MRI की रिपोर्ट आते हैं, मेरे लिए नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, पर मैंने MRI रिपोर्ट देख के आपको जवाब दिया। अगर मैंने उसमें ऑपरेशन का जवाब दिया है तो मतलब आपको ऑपरेशन की जरूरत है। न्यू ACL लाइफ टाइम चलता है, बिल्कुल दोस्तों, आपका जो नया ACL है वो आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना होता है, वो आप ही का टिश्यू है, इसलिए वो पूरे लाइफ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा कंप्लीट ACL टीयर है और मैं आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब ट्रेनिंग के दौरान मेरा कई बार डिसलोकेट हो गया है, नहीं तो कंप्लीट ट्रेनिंग जब तक खत्म नहीं होती मैं क्या कर। देखिए अब एग्रेसिव ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें जब जब वो ट्विस्ट होगा तब तक आपके मेनिस्कस की हालत देखिए आप कैसी है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो उसमें ट्विस्टिंग होगी तो मेनिस्कस डैमेज होगा ही होगा, उसके लिए कुछ भी नहीं किया सकता। पर हाँ, अगर आप बैलेंस ट्रेनिंग ज्यादा कर रहे हैं या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो चीज आपको ट्विस्टिंग से बचाएगी। सो आप बैलेंस ट्रेनिंग, ईसेंट्रिक ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, हो सकता है मेनिस्कस बच जाए। मेरा ACL टूटा हुआ है, जॉइंट पूरा काम करता है बैठने उठने में, लेकिन दौड़ने में दिक्कत आती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ACL में नॉर्मल चलने में अभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप तो चल ही रहे हैं, पर जैसे जैसे वो टूटे ने होने की वजह से आपके मेनिस्कस खराब होने लगेंगे, आपका नी जॉइंट खराब होने लगेगा, आपका कार्टिलेज घिसने लगेगा, आपको ACL टीयर के 5 साल या 10 साल बाद दिक्कत आने लगेगी, और इतनी दिक्कत आएगी कि आपसे चलना भी मुश्किल हो जाएगा, तब नी रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन बचेगा। तो बहुत जरूरी है, इसे इग्नोर ना करें। आज दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आपका कार्टिलेज अच्छा है, मेनिस्कस अच्छा है, हम ACL ठीक कर सकते हैं, पर अगर बाद में दिक्कत आई तो नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। ACL टीयर होने के कितने दिन में सर्जरी करा सकते हैं? दोस्तों अगर आपका ACL टीयर है तो स्क्रू सर्जरी को करने में कम से कम 6 वीक लगते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, पर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी आप 2 दिन के बाद भी करा सकते हैं, क्योंकि स्क्रू सर्जरी का फिक्सेशन है वो हड्डी के सॉफ्ट पार्ट में होता है, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का फिक्सेशन हड्डी के मजबूत पार्ट में होता है, कॉटेक्स। वो लगाना एक बार शेयर स्क्रीन करना। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि आखिर कितने दिनों बाद सर्जरी हो सकती है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा,
जब हम स्क्रू सर्जरी करते हैं, जब हम स्क्रू सर्जरी करते हैं तो इस तरह से हम नया लिगामेंट बनाते हैं, चेंज छोड़ कर लगते ऊपर लगता है, हटा इसको, ऊपर लगता है बटन और नीचे लगता है स्क्रू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो इसका फिक्सेशन है वो आपके हड्डी के नीचे ये इस पार्ट में जो कि सॉफ्ट होता है। तो जब ACL टूटता है तो यहाँ पर आता है बोन एडिमा, इस जगह आ जाता है बोन, चेंज करना पड़ता है, येलो करो। जब आपकी हड्डी टूटती है तो यहाँ पे आपके बोन एडिमा आ जाता है, बोन एडिमा। ये बोन एडिमा आपके बोन को सॉफ्ट बना जाता है और इसमें स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं, इसीलिए स्क्रू की सर्जरी में आपको 6 वीक्स तक वेट करना पड़ता है। वहीं जब फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की सर्जरी हो रही है उसके अंदर आपका नया एसी हमने बनाया, चेंज करो कलर, ऊपर जोड़ा हमने बटन के साथ में और इसमें नीचे जोड़ा बटन के साथ में, चेंज करो ब्लू कलर करो, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। और साथ में उसमें फाइबर टेप लगी है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो बटन है दोस्तों, ये वाला, ये हड्डी यहां से ब्लैक करना, हमारी जो हड्डी होती है सबने देखा होगा बड़ी मोटी होती है, कॉर्टेक्स का बहुत मोटा होता है, हड्डी बाहर से बहुत मोटी होती है। तो इसका जो बटन का फिक्सेशन है वो हड्डी पे है, इसमें हड्डी में हम इतना छोटा छेद करते हैं और उसमें इतना बड़ा बटन लगाते हैं, तो अंदर अगर हड्डी सॉफ्ट भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे बटन का फिक्सेशन तो बाहर से है। इसीलिए फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस को आप अगले दिन से, नेक्स्ट डे से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा फायदा है इसके अंदर, जब आपको चोट लगती है तो 6 वीक तक बॉडी हील करती है, 6 वीक तक हील करेगी तो जो हीलिंग पोटेंशियल है बॉडी का वो आप लूज कर देते हो अगर आप स्क्रू सर्जरी करा लो। वहीं यहाँ पे जो इडिमा है, करना अलग कलर पिंक कर दे, यहाँ जो इडिमा है, ये जो इडिमा है यहाँ पे, ये आपके लिगामेंट को और अच्छा तरीके से पकड़ेगा जब वो हील हुआ, क्योंकि 6 वीक तक ये हील करती है बॉडी, तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में हीलिंग भी ज्यादा स्ट्रांग होगी और आप अगले दिन से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। शेयर हटा दो, सर इफ आई हैड ए नॉर्मल आर्थ्रोसिस सर्जरी विदाउट द टेप के अंदर नहीं, अगर हम अच्छी सर्जरी किसी ने करी हो तो वो डिसलोकेट नहीं होगा। तो बैंकार्ट रिपेयर जो नॉर्मल एंकर से करते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूं मैं और वो डिसलोकेट कभी नहीं होता। नया ACL कितने दिनों में हड्डी से चिपक जाता है? दोस्तों कंप्लीट चिपकने में 6 महीने लगते हैं हड्डी से, पर क्योंकि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है तो आप 3 महीने में बैक टू रनिंग जा सकते हैं। सर पैर से जब टेंडन कट करेंगे तो पैर उससे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी हम टेंडन निकालते हैं वापस रीग्रो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग वापस रीग्रो जाती है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सर 2 साल पहले मेरे लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था, देन प्लास्टर हुआ था, अब अभी तक सही नहीं हुआ, पर मैं मोड़ गया, रनिंग सही नहीं। तो बेटा आपका ACL टूटा हुआ होगा ना, तो ACL टूटा हुआ है तो आपको ठीक कराना है, नहीं तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे, एक बार घुटने खराब हो गए तो बाद में नहीं रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट भी? जी बिल्कुल टेस्ट करने पड़ते हैं, जब आप आओगे तो हम बताएंगे, नहीं तो आप विपिन से फोन करके पूछ सकते हो, HIV HBCG HCV सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह के कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। बैंकार्ट सर्जरी बिना फाइबर टेप के भी इफेक्टिव रहती है, काफी अच्छी रहती है, उसमें हम सूचर एंकर यूज करते हैं, आर्थ्रेक्स कंपनी की इंपोर्टेड, इंडियन यूज नहीं करते। मेरा लो ग्रेड टीयर है, डॉक्टर लखनऊ में बोले कि सर्जरी, बेटा जो भी लो ग्रेड टीयर मेरे पास आता है मैं उनको बिना सर्जरी के PRP से ठीक कर देता हूँ, तो आप अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए, अगर मुझे एग्जामिनेशन में लो ग्रेड टीयर मिला तो मैं बिना सर्जरी के ठीक करता हूँ।
एसीएल टीयर ही नहीं, कितने दिनों बाद सर्जरी करानी चाहिए? जब भी आप करवा सकते हैं तब आराम से करवा लीजिए। सर मेरा पूरा एसीएल टूटने उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैदल चलने दर्द महसूस होता है। पूरा एसीएल टूटने के बाद उठने बैठने में दिक्कत नहीं है, पैदल चलने में दर्द होता है, मतलब आपका कार्टिलेज घिस रहा है। अब आप सोचो 5 साल बाद क्या होगा, जब आपको अभी दर्द हो रहा है, तो 5 साल बाद तो चलना फिरना उठना बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। उस समय अगर आप हमसे एसीएल कराने आओगे तो हम एसीएल आपका ठीक कर देंगे, पर जो कार्टिलेज डैमेज हो गया, जो मेनिस्कस टूट गया, वो जो दर्द हो रहा है वो कभी नहीं जाएगा जिंदगी में, वो फिर बाद में हो सकता है, आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़े। तो जरूरी है ऑपरेशन जल्दी कराया जाए। मैं एमआरआई रिपोर्ट ढंग से देखता हूँ। हाँ जी, एसीएल टीयर में घुटना ट्विस्ट होता है। पैंकार्ड सर्जरी कितने तक बैकवर्ड हैंड, हम बैकवर्ड हैंड मूवमेंट का मतलब है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ 6 वीक्स तक। 6 वीक्स के बाद हम स्ट्रेचिंग चालू करते हैं और 2 to 2.5 मंथ में कंप्लीट एक्सटर्नल रोटेशन प्लेयर्स का आ जाता है 3 मंथ्स में, ताकि वो अपने गेम में वापस जा सके। दोस्तों आज का हम सेशन यही खत्म करेंगे। एमआरआई से पूरा पता लगेगा या सीसीटीडी? नहीं, आप जब एमआरआई लाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि आपके एसीएल की स्टेटस क्या है, एमआरआई के साथ और आपके एग्जामिनेशन के बाद। दोस्तों अभी हम सेशन यही खत्म करेंगे। आपको जो भी सवाल हैं आप हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। हाँ, आपका लो ग्रेड टीयर है, डॉक्टर बोल रहा है आपको सर्जरी करने के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उस डॉक्टर से सर्जरी करवा सकते हो, या अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बिना सर्जरी के ठीक कर दूंगा लो ग्रेड टीयर को, क्योंकि सर्जरी तो बेटा मैं रोज करता हूँ और हो सकता है मेरे सर्जरी के नंबर बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। मैं महीने में 80 सर्जरी करता हूँ इससे की 80। तो अगर मैं लो ग्रेड टीयर में सर्जरी नहीं करता, क्योंकि लो ग्रेड टीयर बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, तो मैं अननेसेसरी सर्जरी नहीं करूंगा आपकी। तो जब आप आएंगे मेरे पास जलाल जी, तो मैं आपके नी को एग्जामिन करूंगा, आपकी फिल्म देखूंगा। अगर मुझे लगा लो ग्रेड टीयर है तो बिना सर्जरी के ठीक कर दिया जाएगा, पर मुझे लगा कि लो ग्रेड टीयर नहीं है तो मैं आपको सर्जरी की सलाह दूंगा। पर जो लखनऊ में सर्जरी होगी और जो हम सर्जरी करेंगे फाइब्रोटिप इंटरनल ब्रेस, उसमें बहुत फर्क है दोनों। तो आप रिजल्ट हमारे एसीएल विनर ग्रुप में देख सकते हैं, आप जाके ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप को और हमारे पेशेंट से बात कीजिए। सर्जरी की कॉस्ट हमने आपको लिखकर भेजी है सर, मैसेज पे कृपया पढ़ लीजिए। कॉस्ट हमने सबको लिख के भेजी है, वो पढ़ लीजिए। सबकी थोड़ी थोड़ी अलग लिगामेंट इंजरी होती है, कॉस्ट अलग अलग जाती है, तो हमने आपको बता रखी है कॉस्ट कितना है। उसके बाद आपको कॉस्ट पूछनी है तो आप डायरेक्ट वापस मैसेज में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज पे डालिए। अभी आज का सेशन यही हम खत्म करेंगे, और किसी को भी दोबारा सेशन चाहिए तो हमें मैसेज डाल के वापस सेशन ले सकते। धन्यवाद।